वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। तो यूक्रेन रूस युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में आज पांचवा दिन है। तो दुनिया भर के वैश्विक और घरेलू बाजारों में अब भूचाल मच गया है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिससे मुद्रास्फीति की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने रेट सेटिंग पैनल के बावजूद दरिया दिखाते हुए ब्याज दरों को स्थिर बनाए रख सकता है, ऐसा कहा गया है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक RBI इस साल के आखिर तक मौद्रिक नीति में सुधार कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि फरवरी की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक हुई थी, लेकिन इसके बाद भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बड़ा बदलाव हुआ। RBI दरों में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं करेगा, जबकि इस बीच वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने कोरोना महामारी के बाद मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई थी। लेकिन इसके बावजूद RBI की नीति बाकी देशों की केंद्रीय बैंकों से काफी अलग है। बता दें कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने MPC की बैठक में कहा था कि चूंकि अगले वित्त वर्ष में इन्फ्लेशन के शांत होने की उम्मीद है, इसलिए मौद्रिक नीति में समायोजन की गुंजाइश रहेगी। MPC की बैठक में RBI ने ठोस नीति के संकेत दिए और RBI ने उदारता दिखाते हुए रेपो दर में बढ़ोतरी में देरी कर सकता है, ऐसा कहा गया है। दरअसल रूस यूक्रेन विवाद से उत्पन्न हुए ग्लोबल घाटे ने शेयर बाजार सराफा बाजार तक को हिला दिया, लेकिन इसके बावजूद RBI अभी तक जिस तरह से ब्याज दरों को लेकर या रेपो रेट को लेकर उसने किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है, तो ऐसे में आम आदमी के लिए बड़ी यहाँ पर राहत की बात है। आपका इस खबर में क्या कहना है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।